बूजो है, 21 महीने का डॉग है ये। वाओ, और ये 70+ kg में है अभी। 70+ kg में है। इनके एक वीडियो भी वायरल हुई थी भैया की, इनके लड़के की, जिसमें इसको बहुत प्यार कर रहा था ये, तो वो बहुत वीडियो वायरल भी हुई थी, है ना भैया? बोल के दिखाएगी यार ये। His registered name is Otis from the hills. Wow. ये ब्रीडिंग जो है हिमाचल में हुई है। हम ये ब्रीड KCI रजिस्टर्ड और बहुत पुरानी ब्रीड है, राइट? राइट, बहुत पुरानी ब्रीड है। आज तक जितने भी बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पास मैंने देखा है पुरानी, आप फोटोज देखोगे सबके पास ये। मेरे को भी सलमान खान भाई से ही चस्का। What's up everybody, क्या हाल चाल? So, आज का जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा यूनिक, बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, बिकॉज मैं एक ऐसी ब्रीड आज दिखाने वाला हूँ जो शायद मैंने कभी पहले नहीं दिखाई, और वो ब्रीड ना इतनी ज़्यादा पसंदीदा करने वाली ब्रीड थी कि वो सेम ब्रीड सलमान खान के पास थी और बहुत बड़े बड़े लोगों के पास वो ब्रीड थी, जिस ब्रीड का नाम है फ्रेंच मैस्टीफ। और अभी मैं फ़िलहाल हूँ पंजाब के अंदर मलेरकोटला के पास, और एक भाई ने फ्रेंच मैस्टीफ घर में एक सेटअप बना के इतने अमेजिंग लेवल पे ब्रीड कर रहे हैं, इम्पोर्ट्स मंगवा रहे हैं स्पेशली फ्रेंच मैस्टीफ ब्रीड को ज़िंदा रखने के लिए। तो वो कौन है आपको अंदर मिलवाते हैं, आ जाओ। हमारे वीरेंद्र पाजी से मिलिए और उनके साथ जो है उनके पार्टनर, कैसे हो पाजी? आपको इंट्रोड्यूस करा दो प्लीज। जनक सिंह पाजी साडे बैकबोन साडी। क्या बात है। तो मैं आप देख सकते हो अभी हम बात यही कर रहे थे फ्रेंच मैस्टीफ की, और पाजी एक फ्रेंच मैस्टीफ के डॉग को बिल्कुल साथ में लेकर आए हैं। क्या नाम है इस डॉग का पाजी? इसका नाम है बूजो। बूजो, ओ माय गॉडनेस। ये देख रहे हो कितना अग्रेसिव दिखने में है पर प्यार कितना, देखो प्यार है इसका। क्या एज, इसके बारे में थोड़ा बताओ प्लीज यार पाजी, डॉग के बारे में हमारे को। ये बूजो है, 21 महीने का डॉग है ये। वाओ, और ये 70+ kg में है अभी। 70+ kg में, और इसको अभी शो के लिए इस सीजन में शो में लेके जाना है, इसलिए थोड़ा सा इसका वेट कम कर रहे हैं। वाओ, मतलब लोग बढ़ाते हैं हम कम कर रहे हैं। हाँ, समझ सकता हूँ। तो पाजी आप प्लीज़ एक बार अपने बारे में हमारी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कीजिए, आपको कितने साल हो गए हैं डॉग्स पालते हुए दोनों को, आपको अपना अपना कुछ यार प्लीज़ अपने बारे में बताइए यार। देखिए भैया, मैं तो ब्रीडिंग कर रहा हूँ 2003 से। वाओ, ठीक है, लेकिन आप कह सकते हो कि ये सेकंड इनिंग अभी स्टार्ट की है। आदमी की शादी शुदी हो जाती है ना, उसके बाद थोड़ा सा बंदा वापस चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी बिल्कुल। फिर से स्टार्ट किया और अभी हार्डली 3 years हुए हैं। और ब्रीडिंग में स्पेशली मैस्टिफ को इसलिए ऐड किया है क्योंकि आजकल लैब मैस्टिफ बन गए हैं। हाँ। और मैस्टिफ लैब्स बन गए। मैस्टिफ तो वैसे ही गायब हो गया है यार। बिल्कुल, जो हैं वो लैब्स जैसे हो गए हैं और लैब जो है आजकल उनके रिंकल्स आ रहे हैं। तो इस वजह से हमने मैस्टिफ को फिर से सोचा कि फिर से थोड़ा सा करें, और ये मेहनत का पहला फल है। अच्छा, पहला प्रोडक्ट है, क्या बात है। हमारी ब्रीडिंग है अपनी, इसकी मदर भी दिखाएंगे आपको, इसके और भी प्रोजेनी कैसी है। अब थोड़ा सा इस हल्का सा स्लाइड करोगे। वाह, मैं अभी आगे इसी पे आने वाला था। ओह माय गुडनेस, दिस इज 3 months मेल। वाओ 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 वाओ, हिज रजिस्टर्ड नेम इज ऑटिस फ्रॉम द हिल्स। वाओ, ये ब्रीडिंग जो है हिमाचल में हुई है। हम ये ब्रीड KCI रजिस्टर्ड और बहुत पुरानी ब्रीड है, राइट? राइट, बहुत पुरानी ब्रीड। मतलब दो, जब मैं गाइस 5 से 10 साल का था तब मेरे एक दोस्त के पास हुआ करता था, आई रिमेम्बर। और वो ना, मतलब ये एक तो उसका कलर ऐसा है ना जो कोई ब्रीड में नहीं दिखा मुझे आज तक, और टोटली 3 months का महीना बच्चा उठाने में आपको लग रहा है कि क्या मेहनत करनी पड़ रही है हम लोगों को। ये भाई मैस्टीफ ना, मतलब देखो मैस्टीफ ब्रीड वो होती है जिनका बड़ा बड़ा हेड फेस, जिनके रिंकल्स बहुत ज्यादा होते हैं, बट ये ब्रीड इतनी बैलेंस्ड है ना गाइस, इतनी बैलेंस्ड है। देखो सबसे पहले ना तो ये इतने अग्रेसिव होते, दूसरा ना ही इनकी कोई इतनी ज्यादा मेंटेनेंस की, इतने उनके कोई बाल झड़ते हैं वो, तीसरा ये शेर दिखते हैं भाई। ये आपके घर में अगर है तो भाई आपके घर में कोई बंदा घुसने से पहले 2 बार जरूर सोचे। और टेम्परामेंट इनका, और रॉयल ब्रीड है ना, रॉयल ब्रीड है, रॉयल ब्रीड है। आज तक जितने भी बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पास मैंने देखा है पुरानी, आप फोटोज देखोगे सबके पास ये। इवन मेरे को भी सलमान खान भाई से ही चस्का पड़ा था। हां, मैंने भी अभी उन्हीं का नाम लिया था वीडियो के स्टार्टिंग में। उनका गाना है कौन सा, हनी हनी, वो है ना उसमें थे। मुझे लगा यार ये ब्रीड तो है, मगर सलमान खान ने रखे हुए हैं तो यार हम तो नहीं रख पाएंगे, पर चलो कुछ बड़े हुए सपने पूरे करने लगे, मेहनत कर रहे हैं इस पर। देख रहे हो, मैं इसे पहली बार मिला, उसका नाम है बूजो, है ना? बूजो, बूजो, बूजो। टेम्परामेंट ही तो सर मेन है, टेम्परामेंट है। देखो अब ये डॉग अगर किसी बच्चे के साथ है, आप बड़े शहर में रहते हो, आपने इस ब्रीड को लिया है, आपके घर में बच्चा है, आप चेक कर सकते हो कि इतना बड़ा होने के बावजूद ही इज वेरी काम, इज वेरी फ्रेंडली, है ना बूजो, है ना? ओ, 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 इसकी हाँ हाँ ये देखो
खेलना चाहता है। हाँ खेल लो, ये देखो। तो ये ब्रीड ना लोग बहुत अग्रेसिव मानते हैं ना, डॉग्स को बहुत कहते हैं अग्रेसिव है। तो अभी एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी हमारे पाजी हैं जिनका डॉग है, उनका एक टू एंड हाफ ईयर का उनका लड़का है। इधर आ जाओ, क्या नाम है इसका? हरफते। इधर आओ। अब ये देखो, अब ये डॉगी को हाथ लगा रहा है और ये इसी के साथ रहता है। ये डॉग इसको जानता है, मतलब जितने साल का ये है इतने साल सेम साल का ये है ना, दोनों सेम। बचपन से भी ये साथ में इसके ऐसे प्यार कर दो, इसको प्यार कर दो। ये 26-27 महीने का होगा, ये 22 महीने का। ओए अच्छा ना, देखो देखो ये भाई इनकी देखो। अच्छा ये जो डॉग है, इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई थी भैया की, इनके लड़के की, जिसमें इसको बहुत प्यार कर रहा था ये, तो वो बहुत वीडियो वायरल भी हुई थी, है ना भैया? तो ये चीज़ एक देखने की बात है कि अगर आप शुरू से अपने बच्चों को एक एनिमल पेट लव उनके अंदर जगाओ, तो वो चीज़ आगे ह्यूमैनिटी और एक एनिमल जो क्रुएलिटी हो सकती है लोग जानवरों के साथ करते हैं, उसको हम रोक सकते हैं। एक दिन हमने ना इसको सिखा दिया कि ऐसे मिल्किंग करवाओ ना बच्चों को। रोज आप ना टोकरी से बच्चे को उठाता था, जाकर उसको दूर कराने लग जाता था। ये तो इतना बड़ा है, इसको ये तो इसके ऊपर बैठ जाएगा, ये लिटरली इस डॉग के ऊपर बैठ सकता है, है ना? अभी यहाँ पे मैं आपको पपीज दिखाता हूँ, मैं एक बार अंदर ही चला जाता हूँ। आ जाओ। वाओ। तो अभी बारी है इस पपी का, असलियत में बैठ इसको। भाई सच में बारी है ये। ओरे ओरे कितना प्यारा पीस है ये दोनों भाई हैं? हाँ जी। अरे वाह, देखो वो आया। अरे ये देख रहे शैतान, साफ पता लग रहा है शैतान है, देखो शक्ल बता रही है वो शैतान है। अब ये जैस्मिन मुझसे काफी दिनों बाद मिल रही है। अच्छा। खुशी 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 देख रहे हो। तो ये देख रहे हो अभी शांत हुई है ये, आते ही ओवर एक्साइटेड इतनी ज्यादा हो गई थी। अरे 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 वो भैया से प्यार करती है ना, देखो। अच्छा ये फीमेल है हमारी। ओ ये जैस्मिन देखो, मैं इससे भी पहली बार मिला हूँ। ये कितनी एज है इसकी अभी? ये है अराउंड 3.5। अब देखो अच्छा प्रोड्यूस करना है ना अपन ने, तो बूजोस के पौधे का फर्स्ट लीटर है और ये इसका सेकंड लीटर है। 3.5 साल में से 2 लीटर लिए। हाई इसकी किसका कितना वेट होगा? इसका भैया है अराउंड 55+। 55+ मतलब 60-55 के बीच में रहता है। और डाइट अभी क्या चल रही है पाजी? अभी क्या एग्जैक्ट क्या डाइट दे रहे हो इनको आप? डाइट इनको फीड दे रहे हैं, डॉग फीड, राइस दे रहे हैं, राइस, चिकन दे रहे हैं, चिकन एंड राइस, मल्टीविटामिन और कैल्शियम। और ऐसा भी नहीं है, एक टाइम फूड है, एक टाइम बटर मिल्क और लस्सी। अच्छा, बटर मिल्क और कर्ड दोनों चलती रहती है, तो बेसिकली लस्सी और जो देखो दूध डायरेक्ट कभी नहीं देना आपने अपने डॉग को, बिकॉज मुझे जहाँ तक लगता है दूध डॉग्स के बिल्कुल सही नहीं है। डायरेक्ट दूध आप लस्सी दे सकते हो, दही दे सकते हो, पनीर दे सकते हो, घी भी नहीं दे सकते। तो ये चीज़ ज़रूर आप याद रखना डॉग लवर। तो वो देखो बेचारी अब शांत हुई है, प्लीज जैस्मिन शांत हो जाओ। अब भैया देखो, आप एक आपने पूछा था कितना प्यार करते हैं। हाँ, वो बहुत ज़्यादा वो है, पैशनेट है प्यार को लेके। अब ये पपीज इसी के हैं। हाँ। अरे अच्छा एक चीज़ और बड़ी अच्छी देखने की इन पपीज़ की, इधर आओ, इनकी आइस, ये लो देख रहे हो आइस प्रॉपर, कितनी प्यारी आइस है, कितनी ज़्यादा प्यारी आइस है। सो गाइस अभी जो है भैया अपना सेकंड स्टड जो डॉग है इनका वो लेकर आए हैं, इसका नाम क्या है? बिंगो। बिंगो जैसे एक बूजो था, ये बिंगो है। अरे वाह बिंगो। इसकी एज कितनी है भैया? ये भी अराउंड 2.5 साल का है। 2.5 साल का, और किस लाइन एज से ये कुछ आइडिया? इसके फादर के बारे में कुछ बता सकते हो? पहले हमने परचेज किया था, पेपर में देखना पड़ेगा नॉलेज के लिए। ओके, तो सारे केसीआई रजिस्टर्ड है? सारे केसीआई हैं और सारे स्टड जो हैं डिफरेंट ब्लड लाइन के हैं। सिर्फ आपको जो बूजो दिखाया और ये जो भी बच्चा 3 महीने का दिखाया है, ये ब्रदर्स हैं। हाँ, मदर साइड से। मदर साइड से, अदरवाइज हरे। तो बेसिकली एक लाइन ब्रीडिंग हम जिसको कहते हैं, तो वो चीज़ ना मोस्टली जो अच्छे जो एथिकली लोग डॉग्स रखते हैं वो लाइन ब्रीडिंग को अवॉइड करता है, बिकॉज लाइन ब्रीडिंग की वजह से जेनेटिकल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं उसकी वजह से। अलग अलग प्रोजेनी, अलग अलग लाइंस, अलग अलग ब्लड लाइन होना आपके पास आपके घर में बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम यही आ रही है, लोग आज हमसे फीमेल लेके जाएंगे, वो कल को हमसे हमारे पास अगर मीटिंग के लिए आते हैं जी, तो सेम ब्लड लाइन ना। और ये चीज़ बहुत जगह कंप्लेन है, इवन हमें भी प्रॉब्लम आई कि हम जहाँ से बच्चा लेके जा रहे हैं उनके पास वही मेल पड़ा है,
तो हमने चार मेल अपने पास रेडी रखे हुए हैं, पांचवा रेडी हो रहा है। एक आप इंपोर्ट कर रहे हो, एक इंपोर्ट का प्लान है। वाओ वाओ क्या बात, आपने आपने बता दिया सरप्राइज था वो। चलो अभी होगा, अभी तो बहुत टाइम है। नहीं ऑलरेडी परचेस्ड है, बस जल्दी आएगा तो करेंगे उसको फिर। क्या बात, सो अभी एक बूजो की अगर मैं बताऊंगा, ये बूजो, ये जो बिंगो है, जो ये बिंगो बड़ा शरारती है, इसको हर टाइम जो है इसको चाहिए खेलना कूदना हो। हां अरे हां मुझे बता रहे थे ये डॉग को वो लेकर आए हैं, वो उसको बड़ा ही लेकर आए हैं, बिकॉज जिस जगह पे वो था उसकी बिल्कुल केयर नहीं की जा रही थी। इसको इसको कौन सा डिसऑर्डर, आप इसके लिवर में एक प्रॉब्लम थी आप बता रहे थे, लिवर इन्फेक्शन हो गया था इसको, जिसकी वजह से जो चीज़ें इसकी आईज में, इसके डाइजेशन सिस्टम में, इसकी स्किन पे, तो वो सारी चीज़ें हमें आके महसूस हुई। बेसिकली हमें क्या कि हमें अलग अलग ब्लड लाइन चाहिए, अलग अलग ब्लड लाइन इकट्ठी करने को तो जहाँ से मर्जी कर, जहाँ से मर्जी कर लो। अचानक एक भाई से मुलाकात हुई, उन्होंने बोला भाई अपने पास भी अपने गांव में एक रहता है। बट ये डॉग बीमार था आप जब लेकर आए थे, ये भाई बहुत बहुत वीक था, अब तो ये बहुत रिकवर कर गया है, 60-70% रिकवरी है इसकी अभी तक। और ये टाइगर नाम है इसका, है ना? इसका टाइगर है, और ये एक्चुअल में टाइगर, आपको मैंने बूजो दिखाया, ये बूजो से मैं आपको इसके पिक्चर्स दे दूंगा जो है इसके। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मेल है, और ये सिर्फ हम इसलिए लेके आए हैं कि हमारे पास एटलीस्ट ये कहीं ऐसे ना कि ये गाँव में पड़ा हुआ बेकार हो जाए, तो हम एक इसका डीएनए लेना चाहते हैं। वाओ, यस, इसी बहाने गाइस, देखो इसकी इसी बहाने इसको अच्छा मेडिकल केयर मिल पाएगा, इसको एटलीस्ट एक ऐसा डॉग लाइफ मिल पाएगी जो एक परमानेंट एक डॉग चाहता है, एक मालिक हो उसका हर टाइम जो उसकी देखभाल करे, तो उसको वो मिल गया, एटलीस्ट एक फैमिली मिल गई है, फैमिली मिल गई, खुश रहता है। अभी टेम्परामेंट का इशू था इसको बहुत ज़्यादा, हमेशा बड़ा हुआ रहता था, हमने वहाँ से निकाला उसको और अपने पास लेके आए, इवन एक हफ्ता हमने इसको बांध के रखा है। सही, क्योंकि हम जैसे ही पास जाते थे ये हम पे शाउट करते थे, फाइट काटने की कोशिश करता था। वो ऑब्वियसली जब यार कोई डॉग एक क्रुएलिटी का शिकार बनेगा तो यार वो ऑब्वियसली एग्रेसिव तो होगा, वो अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन में वो चीज़ करेगा, बट एटलीस्ट यू कैन सी अभी वो हमारे से मिला, कितने प्यार से मिला, उसने किसी को कुछ नहीं कहा, तो वो जब आप डॉग को अच्छी लाइफ दोगे तो यार ऑब्वियसली उसका एक साइकोलॉजिकली चेंज आएगा ही आएगा। So guys, अभी एक फ्रेंच की फीमेल आई है जिसका नाम है बिल्लो, तो अभी मैं उससे पूछूंगा कि बिल्लो बगे बिल्लियाँ दा की करेंगी, बिल्लो बिल्लियाँ दा की करेंगी, है की करेंगी, कितनी है इसकी? ये दो ढाई साल, दो साल की है, मीमी जैसी दिख रही है, देखो कितनी क्यूट है। अभी इसका मतलब कहते हैं इनमें 18 महीने के बाद असली मैच्योरिटी आती है, हाँ। तो अभी हम वेट कर रहे हैं एक बार अच्छे से हो जाए ये मैच्योर। अरे अरे नहीं, ये बड़ी प्यारी लगी मुझे यार, बहुत प्यारी है, देखो अभी बिल्लो रखा हुआ हमने, हाँ, नहीं नहीं बबली बिल्लो है ये हमारी, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। हाँ जी, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनकी बहुत प्यारी हस्की, कितनी है इसकी? ये भी अराउंड भाई 2.5-3 साल की। और क्या नाम है इसका? इसका नाम कैंडी। कैंडी, जरा उसकी आईज चेक करो, कितनी प्यारी है, कितना प्यार है कैंडी। ये भी कंसीव है। अच्छा, वाओ, ओ बेटे, ओ ये भी केसीए रजिस्टर्ड है अपनी फीमेल। ये इंडियन चैंपियन है, स्नाइपर की बच्ची है। बहुत है क्योंकि वो बोलती है। अभी तो आपको मालूम है हस्की में कितनी मिक्सिंग होगी, है ना? बोल के दिखाएगी यार ये। तो गाइस अभी ये गद्दी है ना, हिमालयन शीप डॉग, काटता तो नहीं, नहीं। क्या नाम है इसका? फीमेल है, फीमेल है ये। हाय पोगो। वाओ यार, बहुत ऊंची लंबी हाइट है यार इसकी, यार ऐसे लग रहा है एकदम एक्शन मोड में है ना। कितनी है इसकी? ये होगी 2.5 साल की होगी, मतलब अभी इनके पास जितने भी डॉग्स हैं सभी ऑलमोस्ट 2.5-3 साल की एज के रहते हैं। वाओ, लॉकडाउन के आसपास 2-3 साल ही हुए अभी तो सारे डॉग, और ये भी कोई एडल्ट है, सब बच्चे लिए थे खुद चूज करके। बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी। ओके गाइस, सो विद दैट करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। थैंक यू सो मच भैया, आपने हमारे लिए अपना टाइम निकाला, और देख रहे हो कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, हालत देखो इनकी हमारी। ये डॉग्स गाइस हमें लगता है डॉग है, पर जब हम इनको अपना फैमिली मेंबर की तरह रखते हैं ना गाइस, बहुत लगाव हो जाता है, और वही चीज़ मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रही है कि अपने घर में हर एक चीज़ इस डॉग की ऐसी कंडीशन पैसा लगाने से नहीं है, इसकी केयर करने की वजह से है।
इसी में कई लोग फोन करके पूछते हैं कि भाई क्या खिलाते हो। हाँ तो हम स्पेशली जनक के ये वर्ड होते हैं 70% प्यार है भाई, बाकी तो दाल फुल्का चलता रहता है। हाँ, वाह क्या बात है। सो गाइस, अगर आपको फ्रेंच मस्टीव से स्पेशली कुछ ना कुछ भी फ्रेंच मस्टीव के पपी के रिगार्डिंग कोई क्वेरी करनी है या कोई भी रिगार्डिंग किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी करनी है, आप जो है भैया को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इनके इंस्टाग्राम आईडी, इनका पूरा लिंक, इनका नंबर, सभी चीज़ें आपको मैंने मेंशन की हुई है। और आपको ये ज़रूर बताना है कमेंट के अंदर कि आपको सबसे बेस्ट डॉग कौन सा लगा इनका, उसका नाम लिख के बता देना। तो फिर उसके बाद हम देखते हैं कि भैया को पता लग जाएगा कि सबसे बड़ी ऑडियंस को क्या पता लगा। बाकी जल्दी जब इनका फिर एक और डॉग आएगा फिर एक और वीडियो बनाएंगे। बाय बूजो, बाय। हाँ देखो, वाह।